rather than the small goals that we are working at the moment. So formally, हम इस दुआ के साथ इस सेशन का आगाज करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें अता की हुई हैं हम उन तमाम का शुक्र अदा कर सकें और अल्लाह ने जो हमें इल्म अता किया है हम उसको बांट सकें और ज्यादा से ज्यादा इस इल्म की रोशनी को फैला सकें। Our session title is Dream Big. अच्छा ये जो कैची वर्ड है एक बड़ा ख्वाब देखना ड्रीम बिग आपको ये देख के या सुन के जहनों में क्या ख्याल आता है कि क्या होना चाहिए क्या रिस्पॉन्स आता है आपके जहन में पहला थॉट क्या आता है व्हाट इज द फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन इट कम्स टू द वर्ड ड्रीम बिग एनीवन नमलाइट्स यस नमलाइट्स ओके नमलाइट्स जी I would like to get your opinion. मुझे चाहिए कि आप लोगों के साथ साथ हमारे साथ interaction चलती रहे so that we can make it more fruitful rather than a one line of interaction. So dream big. क्या ख्याल आता है आपके जहन में? Goal. बड़ा ख्वाब और goal और objective. Objective motive और purpose of life. Purpose of life और getting more in life. Getting more into life. अच्छा और imagining the world you want to live in. Imagining the word of? You want to live in. You want to live in. Okay, fair enough. Or anything else that you would like to add? Thinking about word hereafter. Thinking about word hereafter. अच्छा ये वो तमाम अच्छी-अच्छी बातें जो हमारे ज़हन में आती हैं जो हमने बोलनी होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे ज़हन के बैकएंड में चल रही थी। तो जब हम सेशंस कंडक्ट कर रहे थे, so we have certain lines जो हम आमतौर पर बच्चों से जब शेयर करते हैं ड्रीम बिग के बारे में ख्वाब के बारे में so we get certain different kind of responses. The first response that we get is, सर इसका मतलब है अब हम ज्यादा सोया करें बिकॉज हमें बड़ा ख्वाब देखना है तो हमें ज्यादा देर के लिए सोना चाहिए एंड दैट वे वी विल बी एबल टू ड्रीम बिग सेकंड रिस्पांस आता है क्यों सर छोटे दिमाग से काम नहीं चलता इसलिए बड़ा ख्वाब देखें सो वो बल्कि आपने एक ऐड देखा होगा बबलू तुम्हारा साबुन स्लो चलता है क्या तो इसी तरह बड़ा ख्वाब क्यों सर छोटे ख्वाबों में हमारे काम नहीं चलते हमारी जिंदगी नहीं चलती या कोई हमें कह देता है तुम सो नहीं रहे थर्ड रिएक्शन दैट कम्स सर यहाँ नींद नहीं आती आप ख्वाब की बात कर रहे हैं राइट ये वो है कि हमारे अंदर जो ख्याल मचल रहे होते हैं जिनको हम शेयर करना चाहते हैं हम बात करना चाहते हैं लेकिन हम कह नहीं पाते देन एक और बड़ा जो आजकल हमारी यूथ की स्टेटमेंट है और जब हम इस लफ्ज की बात करते हैं ख्वाब की बात करते हैं ड्रीम बिग की बात करते हैं तो ये चीज फौरन से मचल के पाए जाते हैं सर मुझे लाउड पढ़िएगा जरा सर मुझे तो मोहब्बत के अलावा कोई ख्वाब ही नहीं आता मतलब वी आर एंगेज इन दिस सेगमेंट ऑफ आवर लाइफ के हमने मोहब्बत के अलावा कुछ और ख्वाब जो है उसके बारे में सोचना नहीं बिकॉज वी आर ऑलरेडी इमेजिनरी वर्ल्ड में हम एक बिजी हैं और हम रिलेशनशिप के पीछे जा रहे हैं हमारा लगता है कि यार अगर हम नौजवान हो गए हम बड़े हो गए तो पहला ख्वाब देना वो ये है कि कोई अच्छी सी लड़की हो और उससे फिर हमारी शादी हो बाकी दुनिया बात की है एंड सेम गोज फॉर द गर्ल्स कोई अच्छा सा लड़का हो उससे हमारी शादी हो और फिर देखेंगे दुनिया में क्या कर रहा है अच्छा लास्ट स्टेटमेंट सर ख्वाब तो बहुत सारे ख्वाब तो इतने सारे कि आपको क्या बताएंगे क्या क्या ख्वाब ये वो कुछ फनी स्टेटमेंट्स या कुछ कैची लाइंस हैं जो हमारे जहन में आती है व्हेन वी टॉक अबाउट बिग ड्रीम्स मेक सेंस ऐसा होता है अच्छा लेकिन ये है कि ये वो हमारी जिंदगी है जिसको हम बचपना कहते हैं या एमेच्योर एज कहते हैं कि जहां आप इन्हीं चीजों इन्हीं ख्यालों में रहते हैं और हमें जो बड़ा ख्वाब है वो हमेशा दूर रखता है You're always busy in these smart lines. सुनोना ज्यादा है पढ़ाई कम करनी है पैसा ज्यादा आना चाहिए मेहनत कम होनी चाहिए एक स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी उसने कहा सर मैं कामयाब जिंदगी गुजारना चाहता हूँ मैंने कहा ग्रेट जबरदस्त यार इससे अच्छी बात क्या है कि तुम्हारे जहन में ये ख्याल आ गया मैंने कहा लेकिन मुझे ये तो बताओ ये अच्छी जिंदगी क्या होती है कामयाब जिंदगी क्या होती है उसने कहा सर अच्छी सी गाड़ी होनी चाहिए अच्छा सा घर होना चाहिए एक पोपट सी लड़की होनी चाहिए ठीक है नौकर चाकर होने चाहिए काम करना नहीं चाहिए पैसा खूब होना चाहिए मैंने कहा अच्छा ये कामयाब जिंदगी है मैंने कहा अच्छा यार ये कामयाब जिंदगी आई पोस्टेड द सेम थिंग ऑन फेसबुक एंड एवरीवन सेड कि हां यार ये कामयाब जिंदगी तो बड़े मजे की है मतलब जिसमें आपको काम के नहीं करना पड़ रहा है एंड यू आर जस्ट एंजॉयिंग द लाइफ लेकिन जब हम कामयाबी की बात करते हैं तो देयर आर ऑलवेज हार्ड टाइम्स जब आपने मुश्किल वक्तों से गुजरना होता है फैजान ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया कि दिस मच आई स्टार्टेड माय करियर बैक इन 2006 2006 में मैंने अपने करियर का आगाज किया था व्हेन आई वाज अ यंग स्टूडेंट एज लाइक यू मैं भी इन्हीं कुर्सियों पे शायद कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में बैठा हुआ था बट आई स्टार्टेड वर्किंग बाय द बिगिनिंग ऑफ माय बैचलर्स डिग्री 2006 में मैंने अपना आगाज कर दिया था इट्स बीन लाइक मोर देन अ डेकेड 10 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है इन व्हिच आई हैव सर्व डिफरेंट फील्ड्स लाइक एजुकेशन मीडिया ट्रेनिंग टीचिंग मार्केटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एज़ वेल
लेकिन बात यह है कि ये प्रोसेस कहां से शुरू होगा, आपका सक्सेस का प्रोसेस कहां से शुरू होगा। कहते हैं कि कामयाबी और आपके दरमियान में सबसे बड़ी हर्डल पता है क्या है, सिर्फ आप खुद। हमारे पास आमतौर पे कॉमन फ्रेजेस क्या आती है, व्हेन वी आर टॉकिंग समथिंग यू नो अचीविंग बिग टारगेट्स और डूइंग समथिंग ग्रेट, मेरे से नहीं होगा, मैं कर नहीं सकता, मैं कैसे करूंगा, कोई और कर लेगा। यही हाल हमारे मुल्क का भी है, ये ग्लास उठा के यहां से भर दें, ये रोड साफ कर दें, किसी की गलत काम की शिकायत लगा दें, कंप्लेन कर दें, कुछ नहीं होता। क्या होता है यहां, ये तो सिस्टम का बुरा हाल है। यू नो ये तमाम चीजें हमें किस तरफ लीड करके जा रही है, मायूसी की तरफ। और मायूसी क्या है, और हम क्या करते हैं रोज, नाउज़ुबिल्लाह हम रोज इस रविश में चल रहे हैं। हम अपनी एबिलिटीज को नहीं समझ रहे कि हम कितने कॉम्पिटेंट है। अल्लाह ने हमें क्या बनाया, आमतौर पर जवाब आता है मुसलमान, बिकॉज वो सबसे स्टार्ट की क्लास में पहली लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, हम कौन हैं, हम मुसलमान हैं। लेकिन ये भी पढ़ाया गया कि हम अशरफुल मखलूकात हैं, यानी कि मखलूकों में सबसे अफजल। अब बात ये कि सबसे अफजल जो मखलूक है वो कौन है, वो मैं हूं, वो आप है, वो हम है। लेकिन अगर हम अपनी वक्त को, अपनी वैल्यू को, अपनी लाइफ को नहीं समझते, सो क्या लगता है कि अगर हम अपनी वैल्यू नहीं करते तो कोई हमारी वैल्यू करेगा? अगर हम नहीं पहचान सकते कि हमारी कदर क्या है तो हम किसी को क्या बताएंगे कि हमारी कदर क्या है? मेक सेंस और नो सेंस और नॉन सेंस? मेक सेंस, दैट्स गुड। सो अगर हम अपनी कदर जानेंगे, अपनी वैल्यू को अंडरस्टैंड करेंगे, तो हम लोगों को भी समझा सकते हैं कि वी हैव सम वर्थ। और आहिस्ता 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 ये प्रोसेस है, ये आगे बढ़ेगा। हम पाकिस्तान को खुद अंडररेट कर रहे होते तो कोई हमें क्या अच्छी वैल्यू देगा? अगर हम अपनी कदर खुद नहीं जानते, अपने शहर की कदर नहीं जानते, अपने इंस्टीट्यूट की कदर नहीं जानते, अपने मुल्क की कदर नहीं जानते, तो कोई भी हमारी कदर नहीं जानेगा, कोई भी हमारी कदर नहीं करेगा। अब ये तमाम इतना बड़ा जो खिता है, और इस बड़े खिते में एक खूबसूरत सा मुल्क पाकिस्तान है, और इस मुल्क में रहने वाले बेशुमार लोग हैं, और उन बेशुमार लोगों ने बेशुमार तालीमी इदारे बनाए, और उनमें एक है नमल इंस्टीट्यूट, राइट। अब ये भी किसी विजन के पीछे बना, और इस विजन के पीछे जो लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद इस विजन के साथ जो बेनिफिट लोग उठा रहे हैं वो आप लोग मौजूद हैं। अब आपका काम है कि इसका रियल बेनिफिट को आप पिक करें और इससे फिर आगे जिंदगी को लेकर चलें। सो आज हम आपकी डिग्री की बात नहीं कर रहे, आज हम आपके आने वाले एक दो तीन साल की बात नहीं करना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि लेट्स प्लान समथिंग बिग। जब हम 20 साल बाद का सोचेंगे तो हम कुछ डॉट्स कनेक्ट करना शुरू कर देंगे। सो हमारा टारगेट आने वाले 2 साल, आने वाले 4 साल, आने वाले 6 साल नहीं होंगे, बल्कि जिंदगी का बहुत दूर का सफर होगा। और जब दूर का सफर तय करेंगे तो हम आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी जो अकम्पलिशमेंट हासिल कर रहे होंगे वो हमें सेंस ऑफ प्राइड भी देंगे, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट भी देंगे, और हम कुछ आगे जिंदगी को चला भी सकेंगे। Now let's get into the detail कि ड्रीम बिग का कॉन्सेप्ट क्या है। लिटरेचर में इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशंस दी गई कि ड्रीम बिग है क्या। कोई भी बड़ा काम जब आप करना चाह रहे हैं उसको आप ड्रीम बिग कह सकते। कोई भी बड़ा काम, कोई भी बड़ी तमन्ना, कोई भी बड़ी ख्वाहिश जिस पे आप काम करना चाहते हैं, दैट इज अ ड्रीम बिग कॉन्सेप्ट। लाइक मिसालें बेशुमार हैं। आप इस वक्त प्लान कर रहे हैं कि आपकी बैचलर्स की डिग्री खत्म, और नेक्स्ट यू आर प्लानिंग कि आपकी मास्टर्स की डिग्री आपने कहां से करनी। बट द पॉइंट इज, क्या ये आपका लाइफ का गोल है? नो। आपको पता है कि आपका लाइफ का गोल क्या है? प्रोबेबली नो। और यस, कितने लोगों को लगता है कि हमको पता है कि हमें जिंदगी में करना क्या है? यस और नो? जिनका ख्याल है कि यस वो हैंड रेज करें, प्रीटी मच अराउंड 20-25% ऑडियंस। जिनको लगता है कि उनको नहीं पता, they are still vague. Let's be honest, let's be truthful. कितने लोगों को पता है कि यार मुझे exactly नहीं पता कि मैंने कहाँ जाना है, मेरा aim of life क्या है? Fair enough. We are having again 30-40% audience. सिर्फ कुछ लोगों को पता ही नहीं, उनको पता भी है ये नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि पता है ये नहीं पता, बस चले जा रहे हैं। देखें, बड़ी important line है। इसको अपने साथ अपनी जिंदगी में बांध लीजिए। आप जिंदगी गुजार रहे हैं या जिंदगी आपको गुजारना। सिर्फ इस एक लाइन का अगर आप
कॉन्सेप्ट और स्पिरिट समझ जाते हैं तो आपकी जिंदगी बहुत बेहतर तक सीधी हो सकती है। जिंदगी आपको गुजार रही है या आप जिंदगी को गुजार रहे हैं? अगर आपको जिंदगी गुजार रही है इट मींस कि आप एक रूटीन लाइफ जी रहे हैं, लेकिन अगर आप जिंदगी को गुजार रहे हैं इट मींस कि यू नो आपने क्या प्लान कर रहे हैं, क्या अचीव कर रहे हैं, क्या रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्या करेक्शन रिक्वायर्ड है और आने वाले सालों में आपने क्या करना है। ये बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है। उस चीज को प्लान करने के लिए, सोचने के लिए आपको टाइम भी चाहिए, आपको स्पिरिट भी चाहिए, आपको इंस्पिरेशन भी चाहिए, आपको मोटिवेशन भी चाहिए, देन यू विल बी एबल टू अचीव ऑल दोस थिंग्स। सो प्लानिंग अबाउट समथिंग बिग दैट इज लार्जर देन द स्मॉल गोल्स, उसको हम ड्रीम बिग का कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब सवाल आ जाता है कि वो बड़ा ख्वाब, वो बड़ी सोच किसके बारे में? एब्सोल्युटली वी आर टॉकिंग अबाउट सक्सेस। वो हमें बड़ा ख्वाब, वो बड़ी चीज हमें कामयाबी की तरफ लेके जाएगी, पर पॉइंट ये है कि बड़ा ख्वाब किससे रिलेटेड है। कुछ कैटेगरीज हैं हमारी जिंदगी में, हमें कामयाबी कुछ लफ्जी मानों में दिखाई देती है। इधर दैट इज मनी, पैसा, और सिक्योरिटी। यू वांट टू बी सिक्योर इन योर लाइफ। आप चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट मिल जाए जहां आपको कोई टेंशन ना हो, आपकी लाइफ एकदम ईजी हो जाए। Then there is another concept, fame, मशहूरी मिल जाए। There are so many people who working behind fame. वो कहते हैं जितनी मर्जी कामयाबी मिलती है और जितनी जल्दी मिल जाए उतना अच्छा, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री है, चाहे वो इवन पब्लिक स्पीकिंग इंडस्ट्री है, या चाहे एजुकेशन है, या चाहे हेल्थ है, टॉक अबाउट एनी इंडस्ट्री, दे आर बिहाइंड फेम। तो उनको लगता है कि उनका बड़ा पाप, उनकी बड़ी कामयाबी जो है वो फेम है, मशहूरी है। देन हैप्पीनेस, कुछ लोग चाहते हैं जिंदगी में खुशी होनी चाहिए, अगर खुशी है तो मैं कामयाब, और वो खुशी मेरे लिए है या किसी के लिए है वो एक अलग डिबेट, बट दे वांट टू बी हैप्पी। देन देयर इज लास्ट थिंग दैट इज सेटिस्फैक्शन। अपनी सेटिस्फैक्शन चाहते हैं कि किसी क्लास में सेटिस्फैक्शन मुकम्मल, वो किसी भी तरीके से हो सके। कोई दुनिया भर के लिए काम करके खुश हो जाता है और कोई सिर्फ अपने लिए जिंदगी जीकर खुश हो जाता, राइट? अब्दुल सत्तारी इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, जिन्होंने सारी जिंदगी लोगों के लिए काम किया एंड ही इज वेरी सेटिस्फाइड। एंड देन देयर आर बिलियनर्स एंड मिलियनर्स जिन्होंने अपने लिए काम किया एंड दे आर वेरी हैप्पी, एंड समवेयर देयर आर लीक्स एंड समवेयर देयर आर नो लीक्स।